मैं हूँ साकिर साहब और आज हम मौजूद है धुलिया शहर में। जो धुलिया शहर में जो फारूक साहब MIM के आमदार है, इन्होंने आने वाले वक्तों के अंदर क्या काम को अंजाम दिए और आज तक का कितना फंड लाए और कौन सा फंड कौन से तरीके से कौन से इलाके के अंदर यूज़ किया जा रहा है, आइए जानते हैं सब फारूक साहब की जबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक शाह आमदार धुलिया शहर। हमने जैसा कि चुन के आने के बाद एक संकल्प उठाया है कि धुलिया शहर में हमसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फंड मंजूर करवा के लाकर और हमारे शहर का विकास किया जाए, इसलिए हमने मंत्रालय में हर डिपार्टमेंट से हमने गुहार लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम बेहतरीन तरीके से कामयाब भी रहे हैं। हमने जो हमारी आमदार निधि है उसके अलावा जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है आदिवासी समाज का, उसके लिए हमने आदिवासी विकास विभाग से एक 11 करोड़ रुपए की एक समाज भवन हमने मंजूर किया है और 5.5 करोड़ रुपए का एक वस्ती गृह हॉस्टल जिसको बोला जाएगा हॉस्टल हमने मंजूर किया है। उसका टेंडर प्रोसेस होकर अल्हम्दुलिल्लाह उसका वर्क ऑर्डर भी हमने पिछले हफ्ते दे दिया है और आइंदा 15 दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम उस काम का भी उद्घाटन करने वाले हैं। उसके अलावा अल्पसंख्यक विभाग से हमने 11 करोड़ रुपए लेडीज़ हॉस्टल के लिए अल्पसंख्यक मुलींचे वसतिगृह इस काम के लिए हमने 11 करोड़ रुपए माननीय नवाब मलिक साहब के मिलकर हमने मंजूर करके लाया है और अनकरीब ही उसका उद्घाटन भी हम करने वाले हैं। उसी तरह से जो केंद्रीय एक जो संस्था है जो नितिन गडकरी साहब देखते हैं उस काम को, हमारे धुलिया शहर में 40 गांव रोड पर जो चौफुली है जहाँ पर मालेगांव रोड और 40 गांव रोड क्रॉस होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या थी। उस जगह पर हमने 82 करोड़ रुपए की लागत से उड्डान पुल मंजूर करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मंजूरी लेटर भी मेरे पास आ चुका है। उसके बाद हमने जो बजट में PWD से पिछले साल हमने तकरीबन 17 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करके लाया था, जिसमें हमने मालेगांव रास्ता, साकरी रास्ता और 40 गांव रोड ऐसे काम हमने किए हैं। उसके अलावा जो संतोषी माता मंदिर से लेकर दशहरा मैदान तक का जो रास्ता है वो भी बेहतरीन तरीके से हमने उसका काम मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद इस साल के बजट में हमने वर्जई रोड के लिए 7 करोड़ रुपए, मैंदड़े रास्ते के लिए 4 करोड़ रुपए और जूना सिविल हॉस्पिटल के सामने का जो रास्ता है उसके लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर करके लाए हैं और अनकरीब ही एक प्रशासकीय इमारत की मंजूरी हम लेने वाले हैं जिसको 92 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग तैयार करने वाले हैं। उसके अलावा जो एक हमारे शहर का जो RTO ऑफिस है, RTO ऑफिस के लिए एक जगह यहाँ पर कई सालों से मुख्तस थी लेकिन RTO कार्यालय RTO ऑफिस की जो इमारत थी वो किराए की जगह पर चल रही थी, उस बात को लेकर हमने परिवहन मंत्री से मुलाकात की और खुद का RTO ऑफिस हो जाए इसलिए हमने मेहनत करके और जद्दोजहद करके 14 करोड़ रुपए का निधि RTO ऑफिस के लिए मंजूर करके लाए हैं। उसके अलावा नगर विकास खाते से पिछले साल हमने 7.25 करोड़ रुपए लिया था और इस साल नगरोत्थान करके जो हमारा ये एक विभाग है उसमें हमने माननीय नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब से मिलकर पिछले हफ्ते 30 करोड़ रुपए का निधि हमारे शहर के रास्ते और गटर के लिए हमने मंजूर करके लाए हैं। इस तरीके के और बहुत सारे काम आगे भी प्रस्तावित है। ये जो काम मंजूर करके लाए ये काम कब से शुरू होगा? ये काम का अभी DPR तैयार करने के लिए महानगर पालिका के लोग और कुछ मुंबई के लोग आज यहाँ पर आए हुए, ये DPR हम लोग 10 से 12 दिन में तैयार करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी
और 3 महीने के बाद मैं समझता हूँ कि कामकाज की शुरुआत हो जाएगी इंशाल्लाह। आमदार बने आपको 2 साल का अर्सा हो चुका है, आप अभी तक की कितने का फंड आ चुके? मैं तो ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने 225 करोड़ रुपए तक के काम हमने मंजूर करके ले आए हैं और इसके आगे बहुत बड़े बड़े काम हमारे प्रस्तावित है, उसके लिए काफ़ी मेहनत चल रही है। आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश है कि ये काम भी जो आने वाले वक्त में जल्द से जल्द मंजूर हो जाए। आने वाले वक्त में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तो इसके ऊपर आपका क्या लाया है? इसके लिए हमने कल ही जो हमारे सिविल सर्जन है और जो हमारे अधिष्ठाता है मेडिकल कॉलेज के, उनके साथ मीटिंग ली है और उनको इंस्ट्रक्शन दिए है। जिस तरह से कोरोना के वक्त हमने पहले से ही तैयारी करके रखी थी, उसी तरह से यहाँ भी अगर ओमिक्रॉन के पेशेंट यहाँ पर निकलते हैं तो उसके लिए हमने बेहतरीन तरीके से यहाँ तैयारी की है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले वक्त में जो ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से काफ़ी मौतें हो गई थी, इसलिए हमने खुद की हमारी निधि से 182 करोड़ रुपए की लागत से जूने सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट मेरे स्थानीय विकास निधि से हमने बनाया है। और इसके अलावा जो भी ड्रग्स जो अद्वैयात इसमें लगने वाली है उसका भरपूर स्टॉक हमने यहाँ पर करके रखा है। हमने धुलिया शहर के तमाम लोगों से पहले भी बारहा अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हाथ मुंह धोकर ही कोई भी काम किया जाए और ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह पर ना जाया जाए। इस तरह से हमने हमारे शहर के लोगों से अपील की है। हमारे पुलिस बांधव रहते हैं, उस पुलिस वसात में जैसा कि गटर और रास्ते की बहुत किल्लत थी, इसलिए एक डेलीगेशन मेरे पास आया था जिसमें पुलिस बॉयज़ एक संगठन है, उसके सभी अराकीन थे। उन्होंने मुझसे ये गुजारिश की थी कि हमारी पुलिस लाइन में एक शहीद स्मारक बनाया जाए और हमारे वसात में जो गटर और रास्ते ख़राब हो चुके हैं उसकी मुरम्मत की जाए। इसके लिए मैंने 1 महीना पहले होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी और उनसे ये डिमांड की थी कि मुझे इस काम को अंजाम देने के लिए 6 करोड़ की निधि दी जाए। उन्होंने मेरी बात पर लब्बैक कहते हुए यहाँ के पुलिस अधीक्षक को और सार्वजनिक बांधकाम के जो अभियंता है उनको ये आदेश किया है कि जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर सादर करें, मैं उसके लिए फंड देने के लिए तैयार हूँ।